मुरादाबाद में सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के साथ साथ अनेक लोगों ने गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। सरकारी विभागों के अलावा चिकित्सकों एवं अन्य लोगों ने गणतंत्र दिवस की हार्दिक मुबारकबाद देते हुए कहा कि सर्वप्रथम देश है, देश के लिए हम जान की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। देश के शहीदों को नमन करते हुए याद किया गया। इस मौके पर सभी ने गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा, सबसे पहले 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि 26 जनवरी के शुभ अवसर से ये प्रण लें कि अपने शहर को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। मेरा अब्दुल बासित अपन नगर आयुक्त नगर। पहले तो 17वें गणतंत्र दिवस पर महानगर की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी अपील ये है कि पानी बर्बादी ना करें, संभाल कर खर्च करें, पानी बहुत कीमती है। कहीं कोई लीकेज हो, किसी की टूटी फूटी हो तो जरूर जो कंट्रोल रूम है उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें। जैसे युवा बाइकों पर तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर, उनके लिए क्या अपील करेंगे ऐसे बच्चों से? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अपनी अभ्यर्थि का हर एक को अधिकार है, लेकिन हुड़दंग मचा कर और शोर शराबा करके कोई अभ्यक्ति नहीं होती, उसको तो सारी तरीके से मनाना चाहिए। और आजकल के युवा बेलगाम हो चुके हैं, उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं, कोई अंकुश नहीं। बड़े बूढ़ों के बात को न मानना ही इन्होंने अपने शान बना लिए और इसी पे इतराते हैं, इसी पे उनको घमंड होता है, जो कि इस तरह से गलत है। ये इनके लिए अच्छा नहीं, भविष्य में भी अच्छा नहीं है इनके लिए। बिल्कुल, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने ही संविधान के अंतर्गत जो है हम लोग पैदा हुए हैं और आज उल्लास के साथ 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं। मुरादाबाद के सभी निवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।